अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफाक मुजाहिद रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल से एक बार दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आज आपके सामने प्रीसेंट 1 हाईवे के सामने का ऐसा प्रीसेंट जहाँ पे आप अपना घर बनवाएं। बहरिया के सामने इंटरेस्ट जैसे ही आप होते हैं तो आप प्रीसेंट 1 की तरफ इन हो जाते हैं। ये बेसिकली मेरी जो वीडियो है प्रीसेंट 1 जो कि 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग पर मुश्तमिल प्रीसेंट है। यहाँ पे आप प्लॉट लें, अपनी मर्ज़ी की कंस्ट्रक्शन करवाएं या तो फिर रेडी टू मूव घर लें। वो आपके पास चॉइस है कि आप अपना प्लॉट लेके खुद घर बनवाएं या आप रेडी टू मूव लें। प्रीसेंट 1 की क्या खासियत है, लोग प्रीसेंट 6 और 8 की तरफ क्यों नहीं जाते लेकिन वो फिर भी 1 की तरफ ही रहते हैं। वो महंगी चीज़ क्यों बाई करते हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, क्यों यहाँ पे प्रीसेंट 1 की तरफ लोग इंटरेस्ट करते हैं, इसकी खासियतें क्या हैं, ये सब एट्रैक्टिव एलिमेंट मेन गेट से इसका डिस्टेंस और इसका रेट, ये सब चीज़ें मैं आपके सामने बताऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ पे कितने परसेंट लोग जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं, फैमिलीज़ किस तरह रह रहे हैं और इसके अट्रैक्टिव एलिमेंट्स में कौन कौन सी ऐसी मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। प्रीसेंट 1 के अगर हम मेन गेट से डिस्टेंस की बात कर लें तो ये 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जैसे ही आप मेन गेट बहरिया टाउन के इन होते हैं तो प्रीसेंट 1 का बोर्ड आपको सामने नज़र आता है लेफ़्ट साइड पर। तो मेन गेट से डिस्टेंस आपको इसका मालूम हो गया। अगर हम यहाँ पर इसके एट्रैक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो इसको यहाँ पे जिनसोए, उसके अलावा आपका ये मेन जो चीज़ है इसका बहरिया के विलास मिलेनियम रूट स्कूल जो कि प्रीसेंट 1 में है। लोग हमसे काफ़ी पूछ रहे हैं कि ये मिलेनियम रूट स्कूल किधर है। मिलेनियम रूट स्कूल बेसिकली जो है वो प्रीसेंट 1 के अंदर मौजूद है। वहीं पर आप अपना घर बनाएँ और वहीं पर बच्चों को उसी जगह पर आप लोगों का स्कूल आपको प्रोवाइड किया जाता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है मिलेनियम रूट स्कूल जो कि बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, उसकी एजुकेशन बहुत वीआईपी है। इसके अलावा अगर हम इसके शॉपिंग गैलरीज़ की बात करते हैं तो प्रीसेंट 1 के सामने का जो प्रीसेंट है कायद विलास और इकबाल विलास के मिड में जो शॉपिंग गैलरी, जो बिलाल डिपार्टमेंटल स्टोर, जो कि वहाँ पर आपको हर किस्म की एशिया वगैरह जो हैं वो मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जिन्ना एवेन्यू से इसकी जो एक्सेस है वो बहुत ही वीआईपी है। जैसे ही आप बहरिया में इन होते हैं तो जिन्ना एवेन्यू स्टार्ट होता है। जिन्ना एवेन्यू के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको प्रीसेंट 1 का जो मेन जो रास्ता जो आपको एवेन्यू जा रहा है वो प्रीसेंट 1 की तरफ जा रहा है। इसके बाद अगर हम ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ड्रीम मार्ट है, उसके अलावा इम्तियाज़ स्टोर है, इंटरनेशनल थीम पार्क है और मस्जिद वगैरह जो है वो प्रॉपर आपके। अगर हम बात करते हैं इसका इम्तियाज़ सुपर स्टोर की तो ये इसकी 10 मिनट्स की ड्राइव पर भी नहीं है। आलमोस्ट अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस की इम्तियाज़ से P1 का तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट की हार्डली ड्राइव बनती है। और अगर हम इंटरनेशनल थीम पार्क की बात करें तो ये 7 से 8 मिनट की ड्राइव बनती है। उसके बाद प्रीसेंट 1 की जो अपनी मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाजें वगैरह ईदें वगैरह पढ़ रहे होते हैं। बेसिकली प्रीसेंट 1 बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसलिए भी लाइक करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो मूव हो चुकी हैं। पार्क वगैरह प्रीसेंट 1 में अपने हैं, स्कूल यहाँ पे मौजूद है, मस्जिद वहाँ पे मौजूद है, शॉपिंग गैलरीज वगैरह जहाँ पे खाने पीने की सब चीज़ें मिलती हैं। वो सब कुछ आपकी ज़रूरियाती चीज़ें जो होती हैं जो इसकी वजह से लोग वहाँ पे मूव करते हैं वो सब P1 में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो P1 की अगर हम अट्रैक्टिव एलिमेंट्स के हवाले से तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि P1 की तरफ लोग क्यों मूव कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके रेट की तो यहाँ पे अगर हम मैं इसमें आपको प्लॉट का भी रेट बताऊंगा और रेडी टू मूव बनाए बनाए घर का भी रेट बताऊंगा। अगर हम जस्ट इसके प्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 55, 60, 65 से स्टार्ट होते हुए आपका यहाँ पे 2 करोड़, सवा 2 करोड़ का भी प्लॉट आपको यहाँ पर मिलता है। और अगर यहाँ पर अपना प्लॉट लें और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का एलिवेशन रखवा सकते हैं। 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड रूम के साथ अपना यहाँ पे 250 गज़ का प्लस यहाँ पे आप अपना मर्ज़ी का एलिवेशन के साथ यहाँ पे अपना घर बनवाएं। या अगर ऐसे कुछ क्लाइंट होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो जिनके पास हो 1 साल की होल्डिंग पावर नहीं होती अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आते हैं ओवरसीज़ में। ज़्यादातर 80% जो क्वान्टिटी होती है वो ओवरसीज़ क्लाइंट की होती है। वो चाहते हैं कि बस हमारा यहाँ पे घर हो, हम रेडी टू मूव लें और हमें इसमें कंस्ट्रक्शन के लांजों में ना हम पड़े हैं, बस हम हमारा उनके पास क्योंकि बजट होता है तो उनको हमें रेडी टू मूव की तरफ हमें उनको मूव करना पड़ता है। और अगर हम रेडी टू मूव के घर की बात करें जो बने बनाए सेल के लिए यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पे आपको जो विला है वो 3 करोड़ 60 से स्टार्ट होते हुए 3 करोड़ 70 4.5 करोड़ और इवन के ऐसे भी कुछ ऐसे यहाँ पे विलाज हैं जिनके रेट 480 490 तक भी फाल कर रहे हैं। ये वो ऐसे घर हैं जिनमें आप इंटर होते हैं और आप बात करते हैं उनको, वो मतलब बहुत ही कुछ शानदार किस्म की उन्होंने क्या नाम है हम लोग जो हैं वो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें बी कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें जिनके रेट 350 360 की तरफ फाल कर रहे हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है जिनके रेट 390 4 की तरफ ईच जो हैं वो चल रहे होते हैं। और अगर हम ए प्लस की बात करते हैं तो वो 4 से जिनके ए प्लस कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन है वो 4.5 सवा 4 तक भी उनके रेट हैं, जो जिसमें जर्नल आते हैं तो वो 4.25 हैं। अगर उसमें कोई रोड का विला आता है, जिसमें कॉर्नर का विला आता है या पार्क फेसिंग विला जिसमें कैटेगरी आ जाती है तो वो 4.5 भी उनका रेट है, क्योंकि 10% इस कैटेगरी के पैसे होते हैं। क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि रोड में और जनरल विला में फ़र्क क्या होता है। रोड का अगर विला 4.5 का एक मिसाल दे रहा हूँ तो फिर जनरल विला 430 435 का अगर है तो फिर कोने या पार्क फेसिंग या रोड का विला 20-30 लाख महंगा क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी लॉन्चिंग प्राइस पे उसकी 10% कैटेगरी के पैसे होते हैं। अब कैटेगरी सेमी कॉर्नर पर नहीं लगती, कैटेगरी जो बेसिकली लगती है वो या तो कॉर्नर पे लगती है या वो रोड पे लगती है या वो पार्क फेस हो, ये कैटेगरी होती है 3। अगर इनमें से भी कोई आपका विला परचेज करना चाहते हैं तो उसमें 10% कैटेगरी के साथ आप पे करेंगे। तो ये एक मेरी P1 की छोटी सी वीडियो थी। अगर हमारे कस्टमर जो कि ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या वो कराची के किसी या किस जगह के भी हैं, वो P1 में इंटरेस्टेड हैं, या तो जो ऐसे कस्टमर जो कि प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे आप रब्ता करें। कंस्ट्रक्शन जिनके ऑलरेडी वहाँ पे प्लॉट मौजूद है और वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो टाइम वेस्ट किए बगैर वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि रेट डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके बाद या अगर कोई ऐसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो P1 में इंटरेस्टेड है, उनको नॉलेज नहीं है और वो यहाँ पे अपना बना बनाया घर लेना चाह रहे होते हैं तो वो ऐसे किसी एजेंट की तरफ वो जाना चाह रहे होते हैं जो उनको प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन दे और उनको विज़िट करवाए, क्योंकि उनका कोई अगर यहाँ पर उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता तो उनको वो वीडियोज़ की तरफ वो मूव करते हैं ताकि हम किसी बंदे की वीडियो किसी एजेंट की देखें और हम उनको कॉन्टैक्ट करें। हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। फर्दर किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाइक करें ताकि हमारी जो भी बहरिया टाउन से रिलेवेंट न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक फर्दर पहुंचती रहा करें। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।